नमस्ते जी, सभी को राधे राधे। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। दिन है ये शुक्रवार और तारीख है 29 जुलाई, और दिन की शुरुआत हुई कपड़े धोने से। और मैं अब पूजा उजा करके कपड़े तो सुबह ही धो दिए थे, जल्दी 8 बजे ही धो के रख दिए थे सारे। उसके बाद नहाना धोना हुआ, पूजा पाठ हुआ है सब। तो अब मैंने ये सब अपना कपड़े सुखाने आ गई हूँ ऊपर। आज बहुत बिजी डे है मेरे लिए और खुशी का दिन भी है। आज मेरे बेटे का बर्थडे है अभय का, और आप सबको बता दूं अभय ने 12th क्लास पास किया है ICSE बोर्ड से। अभय के आए हैं 93%, तो डबल सेलिब्रेशन है। एक तो उसका बर्थडे है, दूसरा उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो आज इसलिए मैंने उसकी बुआओं को भी बुला लिया, क्योंकि अभय फिर आएगा नहीं, मतलब चला जाएगा, राखी पर नहीं आएगा। तो अभी उसकी राखी वाखी भी बांध देंगे और उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेंगे। तो इसकी बुआ भी यार आ रही हैं आज। तो अभी मैं बस अपना काम फटाफट ख़त्म कर रही हूँ। अभी जब मैं कपड़े सुखा रही हूँ तो ये समय 9:30 का टाइम हो रहा है। देखो कपड़े वपड़े मैंने सब सुखा दिए हैं। अब चलते हैं नीचे की तरफ, और मशीन को भी कवर करके रख देती हूँ, क्योंकि अब ये पता नहीं कब लगेगी, कितने दिन बाद लगेगी। और ये है मेरा प्यारा बेटा बर्थडे बॉय, जिसका जन्मदिन है। आज अभय का जन्मदिन है तो पायल आशीर्वाद दे रही है। बड़ी है ना पायल, वैसे है ना। ओ जीते रहो जीते रहो, हैप्पी बर्थडे। और पसीना देखो कितना आ रहा है, देखो कैसे भीगी पड़ी है। ओए होए देखूं मुँह, ओहो पसीना पसीना। देख तो दे, हाय तो बोल दे सबको। आ गई है दीदी, आ गई है बड़ी। अभय के बर्थडे पे आई है सबसे बड़ी बुआ सबसे पहले। दीदी नमस्ते। बुआ तो सबसे ही पहले। चल छू पैर बुआ के। बहुत बड़ा। अरे रसगुल्ले भर रखे हो। देखो बड़ी बुआ छोटी हो गई है। खाऊंगी। अब हो गया शुरू, बुआ घेवर लाई है तो खाने के लिए पहले बुआ को देगा। चलो अब वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे हो गया है। हैप्पी बर्थडे माँ नहीं तो दिया हमें पाल है, तुम अपनी तरफ को कर लो। पाल लो एक चम्मच लो। मैं डालू आप पर? हमें तो खिला दिया सारों को। वेरी गुड। और स्वाद तो है, क्योंकि आप लाई तो आपको तो पता ही। नहीं है ये उसका स्पेशल। ये भैया के नाम का ना, मैं ज्यादा मोटी हो जाऊंगी फिर। नहीं भैया के नाम मोटी खा लिया घेवर खाना। आइए आइए, आ गए हैं भाई। मेरठ वाली दीदी भी आ गई है। दीदी नमस्ते। नमस्ते। आओ आओ, अथर भी साथ आया है, गुड्डन भी आई है। नमस्ते। आओ दीदी आ जाओ। और अब दीदी सब आ गई हैं, मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने की तैयारियों में ही लगी हुई थी। तो ये आलू उबले हुए रखे हैं, इसके नीचे है राजमा और दाल, दाल मखनी बनेगी, पनीर काट लिया, मटर उबाल लिया, इधर खीर बन रही है और इधर बन रही है दीदी के लिए चाय। ये टमाटर अदरक हरी मिर्च का पेस्ट है, सब एक साथ ही बना के रख लिया है। तो मैं दोनों सब्जी साथ साथ छोक रही हूँ, मटर पनीर और दाल मखनी। तो ये मैंने उसमें सब चीज़ डाल दी है। आप सब जानते हैं कि क्या क्या डलता है, तो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन खड़े मसाले डाल के और उसके बाद हींग जीरा डाल के सब मसाले डाल दूँगी। हल्दी नमक मिर्च, किचन किंग देगी मिर्च और कसूरी मिर्च थी, सब चीज़ मैं इसमें डाल दूँगी। दोनों ही चीज़ों में डलेंगी, और दाल मखनी में थोड़ा सा मक्खन डलेगा। इसमें घी थोड़ा एक्स्ट्रा ही होता है, मतलब मैं ऑयल में छोंक रही हूँ इसको, लेकिन उसके बाद भी इसमें मक्खन डालूँगी। और आप जैसे बनाते हो, मैं जैसे बना रही हूँ थोड़ा थोड़ा आपको दिखा रही हूँ। बीच वाली गैस पे बन रही है खीर,
और मल्टी क्या कहते हैं इसको, मल्टी टास्किंग हो रहा है आजकल मेरे लिए काम, तो बस जैसा जल्दी जल्दी हो रहा है कर रही हूँ फटाफट। उधर वो छोंक तैयार हो गया है, ये दाल मखनी का छोंक तैयार हो रहा है, इसमें भी मैंने टमाटर अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। ये इसमें मैं मक्खन डाल देती हूँ, अभी मैंने बताया आपको मक्खन डालेगा, तो इसमें मैंने छोंक जब तैयार हो गया था इसमें मक्खन डाल दिया, नमक डाल देती हूँ, ये सादी मिर्च, हल्दी। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना आप, अगर आपको पसंद आता है। और दाल मखनी की रेसिपी मेरे चैनल पर प्रॉपर है, मैंने एक दिन प्रॉपर तरीके से दाल मखनी बनानी बता रखी है, वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगी इसका, तो आप देख सकते हैं। तड़का तैयार हो गया था मटर पनीर का, तो मैंने मटर डाल दिए हैं, थोड़ी देर इनको पका लेंगे, और क्योंकि चावल के साथ नहीं खानी है, पूरी के साथ खानी है, तो इसलिए मैं कोई भी सब्ज़ी ज़्यादा पतली नहीं बनाऊँगी, थोड़ी गाढ़ी सी बनाऊँगी। खीर भी ऑलमोस्ट बनी चुकी है, थोड़ी सी कमी रह गई है, और चाय में चीनी डालना भूल गए थे, तो इसलिए चाय दोबारा खदक रही है चीनी डालने के बाद कुकर उतार के, क्योंकि मैं सब्ज़ी छोक रही थी तो ध्यान नहीं रहा, सब चीज़ डाल दी, चीनी नहीं डाली, तो अब दोबारा वो करके तो दोबारा चीनी डाल के दिए। देखो अब दोबारा चढ़ाया कुकर दाल के लिए, और ये मैंने इसमें डाल दी है दाल, राजमा और साबुत उड़द हैं, ये इसी से बनती है दाल मखनी। देखो कैसी लग रही है, और सब्ज़ी सारी बहुत टेस्टी बनी थी। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, क्योंकि थोड़ी सी ठंडी होने के बाद भी ये फिर ना ठीक हो जाती है, तो इसलिए पहले ही मैं हल्का सा पानी डाल दूंगी। आप दूध भी डाल सकते हैं, मैंने दूध नहीं डाला है क्योंकि खीर भी बन रही है, थोड़ा ज़्यादा रिच हो जाएगी फिर सब्ज़ी, खीर थोड़ी गाढ़ी होगी थी, तो मैं खीर में थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ। और ये मतलब बनी गई है, बस एक बॉईल आने के बाद मैं इसको उतार कर रख दूँगी। और मटर भी पक गए हैं, तो मैंने अब पनीर डाल दिया इसमें, पनीर की सब्ज़ी भी अब 4 से 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। पनीर डालने के बाद बस ज़्यादा नहीं पकाते हैं सब्ज़ी को, और बीच बीच में देखो ये सब चल रहा है यहाँ पे। लॉबी में बैठे हैं क्योंकि मैं खाना बना रही थी, तो मैंने कहा सब यहीं आसपास बैठ जाओ तो सब मस्ती कर रहे हैं, बीच बीच पे मैं भी चली जाती हूँ उनके साथ मस्ती करने के लिए, और मैं खाना भी साथ साथ बना रही हूँ। दाल मखनी बन गई है, खीर भी बन गई है, और मटर पनीर की सब्ज़ी भी बन गई है, अब केवल आलू की सब्ज़ी बनी है बची है, और पूरी बनानी है क्योंकि फिर पूजा का टाइम होता जा रहा है, भोग भी लगाना है भगवान जी को। तो ये सब्ज़ी देखो मटर पनीर तैयार हो गया है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा कलर आया है इस पर। अब मैं आलू की सब्ज़ी छोंक देती हूँ, आलू की सब्ज़ी भी देखो ऑलमोस्ट तैयार है, बस आटा लगाना है, अब पूरियाँ बनेंगी। और ये कढ़ाई बहुत गर्म हो जाती है, ये हैंडल इसी के साथ आए थे जिनसे मैं पकड़ के उतार रही हूँ, इसको मैं ढक देती हूँ, और बस अब नंबर आ गया है पूरियाँ तलने का। अभी मैं इतना तेल गर्म हो रहा है इतने ना रायते में छोंक लगा देती हूँ, हमारे यहाँ दिए से छोंक लगाते हैं इस तरह, जी दिए में तेल और जीरा डाल के ऐसे देखो कितना धुआं निकलता है, बहुत स्मोकी सी स्मेल हो जाती है इसमें, बड़े अच्छी सी स्मेल आती है जब इस तरह छोंक लगाते हैं। देखो ये पूरियाँ बन रही है, बस अब दीदी और पूजा कर रही हैं, वो पूजा करने बैठ गई थी कि चलो हम इतने पूजा कर लेते हैं आप खाना बना लो, अब बस भगवान के लिए अब थाली लगा के मैं भोग लगा देती हूँ पहले, उसके बाद केक वेक कटिंग होगा। पूरी है, रायता है, रसगुल्ले हैं, आलू की सब्जी है, मटर पनीर है, दाल मखनी है, खीर है, भगवान जी की थाली लग गई है।
अब मैं जा रही हूँ भगवान जी के लिए भोग लेके, और बड़ी दीदी बैठी थी पूजा में, छोटी तो उठ गई थी लेकिन फिर आ गई हैं भोग लगाने के लिए। अब मैं पर्दे लगाती हूँ कि भगवान भोग लगा लेंगे, और फिर अपना हमने भोग के लिए भगवान के लिए भजन गाया और फिर पर्दे खोल दिए। दीदी भी खड़ी हो गई हैं। आप कैसे भोग लगाते हैं मुझे ज़रूर बताना। देखो भगवान के दर्शन कर लो आप सब भी, कैसे लग रहे हैं प्रभु। आ गया है अपने बड्डे का केक लेके, बड्डे बॉय भीगता हुआ। आओ जल्दी दिखाओ कैसे हो, क्या आए हो तुम, कहाँ घूमते फिर रहे हो, देखो कैसा भीगा पड़ा है सारा। हम सब यहाँ वेट कर रहे हैं, ये भीगता फिर रहा है बारिश में। देखो देखो कितना क्यूट केक आया है। थोड़ा सा पीछे पीछे अटू, हाय करो मामू, किसी करो, किसी का सा मामू, इधर 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 एक और एक और दिखाओ दिखाओ ना यार पायल ना दिखाओ, डैडी को बंद थी वीडियो, आ जा इधर से, ये भी फिर ले रहा है बलिया में बैठा ना, नहीं गर्मी, चलो ठीक है चलो काटो भाई काटो, चलो काटो, अरे रुको वेट करो मैं तिलक लगा, देख क्या कह रहे हैं, तू जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000 पूरा खिला दो इसको पूरा, गिफ्ट दे, देखो गिफ्ट दे रहा है, गिफ्ट है, चलो तुम भी खिलाओ गुड्डन, खूब तरक्की करे, खूब बड़ा हो जाए, चलो पापा भी खिलाएंगे, पापा भी, पापा के नाम का बैठो बॉडी।
खींच दिए वीडियो हाँ हाँ अब तो वीडियो चल रही है जितना आपने बोला फोटो दो खींच लिए थे मैंने ले भाई अरे हमें इसे खोल दे भाई ले अटू ना पार कर ले बहुत अच्छा केक कटिंग के बाद अब हो गया है खाने का नंबर आ गया है मतलब भूख लग रही है सबको बहुत तकड़े वाली और 8:30 का टाइम हो रहा है इस समय तो अब गुड्डन और पायल ला रही है फटाफट खाना और क्या क्या बना है ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले आ जाइए आप भी खा लीजिए और कैसा लगा आपको बताना ज़रूर तो ठीक है अब दीदी हर सर्व कर रही हैं अपने लिए मतलब सब मैंने हमारे यहाँ ये प्लेट है ना तो इनमें सब कटोरियाँ तो चाहिए नहीं होती इनमें कटोरी बनी हुई है तो सभी इसी में खा रहे इसलिए मैंने यही वाली प्लेट निकाल दी थी सबके लिए कि आप सभी इसी में खा लो और हम अभी को भी कह रहे थे कि तुम भी बैठ के खा लो और मैं बना रही हूँ मैं पूरियाँ सेक रही थी तो मगर सब खाओ मैं आपको ऐसे पूरियाँ ला ला के देती रहूँगी गरम गरम क्योंकि ठंडी पूरियाँ अच्छी नहीं लगती तो मैं सबको सर्व कर रही हूँ बाद में फिर जब सब खा लेंगे उसके बाद मैं खाऊँगी तो तब तक आप देखते रहिए वीडियो को और अपने सजेशन दीजिए कि आपको कैसा लगा देखो दीदी का पेट भर गया है पूरियाँ वैसे भी सब एक एक दो दो ही खा पाते हैं ज़्यादा नहीं खा पाते हैं भैया हो गया है अब एक बर्थडे का सेलिब्रेशन सबने खाना भी खा लिया है भैया भी अभी खा रहा है बुआ भी खा रही है आ जाइए आप भी खा लीजिए और काश आप सब लोग यहाँ होते आप भी हमारे साथ एंजॉय कर पाते जैसे हम कर रहे हैं हमारी खुशी में आप भी आए नेक्स्ट टाइम आप सब आना इधर पायल और गुड्डन खाना खा रही है अद्दू अपनी ही रामधुन में है उसको खाना पीना कुछ नहीं है बस अपने काम में लगा पड़ा है देखने में दीजिए जी आप भी खाना खा लीजिए अबे के जन्मदिन का और पूछते हैं सबसे कैसा बना है किसी का भी नहीं अपना रिव्यू दिया है चलो घुमाओ पूछो बुआ से कैसा बना है बहुत अच्छा टेस्टी खाना है वाजी बताओ बताओ कैसे बना बहुत अच्छा बना भाई बहुत अच्छा गजब गजब मन संतुष्ट हो गजब ओहो हो धीरे गुड्डन भी बताएगी कैसा बना बताओ टेस्टी है रेस्टोरेंट जैसा बड़े बता अगर खाना कैसा उसमें फोन में बता दो खाना कैसा बना है कैसा खाना है कहते नगर का अच्छा अच्छा और अगर आपको अबे के बर्थडे का ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी को नमस्ते और बाय बाय